करते रहेंगे और हम आपको और छात्रों की आवाज़ को कभी गिरने नहीं देंगे और हम आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उसे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। RRB NTPC के रिज़ल्ट के बाद से जिस तरह ये बात सामने आई है कि एक अभ्यर्थी का रिज़ल्ट अलग अलग पोस्ट के लिए, यानी एक अभ्यर्थियों के रोल नंबर को कई बार दिया गया है, जिससे कि जो रिज़ल्ट है वो 20 गुना देने की बात थी CBT 1 के, मगर उसे एक तरह से कहा जाए तो वो 3 से 4 गुना ही रिज़ल्ट दे पाया RRB, क्योंकि एक अभ्यर्थी को जब आपने 3-4 बार अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिया है तो फिर जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो रिज़ल्ट है वो घट गया है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कट ऑफ बहुत हाई गया है। कट ऑफ हाई जाने की वजह से जहां एक तरफ 60 के आसपास कट ऑफ बताया जा रहा था, वो बढ़कर कई जो बोर्ड हैं वहाँ 90 के आसपास पहुँच गया। तो ये आखिर जो हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी जो लगातार 3 सालों की मेहनत के बाद इस इंतज़ार में थे कि जब उनका रिज़ल्ट आएगा तो CBT 1 वो क्वालिफाई करेंगे और CBT 2 के लिए वो जीतोड़ मेहनत करेंगे, मगर इन सब के बीच जो हुआ वो चौंकाने वाला रहा, क्योंकि जिस तरह का रिज़ल्ट RRB ने जारी किया NTPC CBT 1 का, उससे ये साफ होता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं असंवेदनशील हो चुका है। वो छात्रों की परेशानी को, उनकी तैयारी को, उनकी मुशक्क़त को नहीं समझ पा रहा है। और ये बड़ा मामला है, क्योंकि जिस तरह से बेरोज़गारी जहां एक तरफ दम भर रही है, बेरोज़गारी जिस तरह से सामने आ रही है, उसमें एक बड़ी उम्मीद थी छात्रों को कि ये रिज़ल्ट आएगा, मगर जहाँ 2019 की ये वैकेंसी है, 35,000 के लगभग रिक्तियां थी और उस रिक्तियों के लिए 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे, मगर इन सब के बाद रिज़ल्ट जो हुआ वो सोच से परे है, वो सोच से बाहर रहा। और इन सब के बाद जो कट ऑफ है वो इतना हाई चला गया कि जो अभ्यर्थियों ने अच्छा एग्ज़ाम दिया था, बावजूद इसके भी उनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे में CBT 2 की जो उनकी उम्मीद थी, जो नौकरी पाने की उनकी उम्मीद थी, वो चकनाचूर हो चुकी है। और इसे लेकर ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया और हो सकता है कि जैसा ये आक्रोश छात्रों में दिख रहा है, कहीं ना कहीं छात्र ये आंदोलन का रूप लेंगे और ऐसे में सरकार तक अगर उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है तो वो सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए जहां एक तरफ ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो सड़क पर उतरने की भी बात सोच सकते हैं। टीचर भी असमंजस में है, क्योंकि जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो नवीन सर हो, चाहे वो कोई भी सर हो, चाहे वो खान सर हो या वो इसके झा सर हो या फिर रहमान सर हो, कोई भी हो, हर लोगों को ये ताज्जुब है कि आखिर कैसे NTPC CBT 1 का कट ऑफ इतना ऊपर जा सकता है, ऐसा रिज़ल्ट RRB कैसे दे सकता है, एक ही अभ्यर्थी को 4-4 जगह पर रोल नंबर उनका कैसे आ सकता है, और जो 20 गुना की बात थी वो कैसे वो बात धरातल पर पहुंच गई और जो उम्मीद अभ्यर्थियों को थी वो सब कुछ ख़त्म हो गया और एक झटके में RRB ने सारी हदें पार कर दी और अभ्यर्थियों के भविष्य को संशय में डाल दिया। और अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे थे, जो छात्र तैयारी कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, जीतोड़ मशक्कत में थे और CBT 2 के लेवल यानी कि CBT 2 के तैयारी में लगे थे, वो उन लोगों की उम्मीद पर पानी RRB ने फेर दिया है। बहरहाल, ऐसी ही खबर हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे और हम आपको और छात्रों की आवाज़ को कभी गिरने नहीं देंगे और हम आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उसे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।